चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड एंड फ्रिंजेस आर फॉर्मड एट अ 2 मीटर डिस्टेंस एंड हैज अ फ्रिंज विड्थ ऑफ 0.6 मिलीमीटर इफ होल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 देन विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल बी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होती है, ये पता है। ठीक है, यानी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ठीक है, हम लोगों को स्नेल्स लॉ पता है, स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन का। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है, यानी इसको वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां जो फ्रिंज विड्थ है वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। यानी अगर आप बीटा फाइनल अपॉन बीटा इनिशियल लिखोगे तो ये लिखोगे म्यू इनिशियल अपॉन म्यू फाइनल। इसको आप लिख सकते हो, शुरू में एयर था, म्यू इनिशियल एयर था तो उसकी वैल्यू वन होगी, और बाद में म्यू फाइनल हो गया लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो म्यू फाइनल अपॉन म्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 1.5, और म्यू इनिशियल अपॉन म्यू फाइनल क्या होगा, 1 अपॉन 1.5। अच्छा, बीटा फाइनल की वैल्यू निकालनी है तो बीटा इनिशियल अपॉन 1.5। बीटा इनिशियल की वैल्यू कितनी है, यह है शुरू में जो फ्रिंज विड्थ है वो 0.6 mm है, तो 0.6 mm डिवाइडेड बाय 1.5, सो 0.6 में 1.5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0.4 mm आएगा, 0.4 mm, तो चेक करो। ठीक है, तो बीटा फाइनल की वैल्यू कितनी हुई, 0.4 mm, यानी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू डिक्रीज कर गई है पहले के कंपेयर में। सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।